हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है और ये कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इफेक्ट डालता है। क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ है ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों पर नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच साठगांठ पर डिपेंड करती है। इसमें सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी या कानून बनाती है जिससे एक विशेष वर्ग के बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है और ये बिजनेसमैन अपने लाभ का कुछ भाग सरकार को चंदे के रूप में देती है। दुनिया में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसी कई सारी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। इन सभी सिस्टम में प्रोडक्शन के चार फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन का फोर्थ फैक्टर यानी उद्यमी दुनिया में कई सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। किसी बिजनेसमैन की सफलता काफी हद तक संबंधित देश की सरकार की राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम आर्थिक और तकनीकी विकास कर रहे हैं, वैसे वैसे ही आय असमानता बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है राजनेताओं और बिजनेसमैन के बीच एक मजबूत साठगांठ। इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, जिसमें एक खास बिजनेसमैन को सरकार के द्वारा समर्थन दिया जाता है। वो ऐसे पॉलिसी और कानून लाते हैं ताकि उस पार्टिकुलर बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले दूसरे बिजनेसमैन से। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ऐसी इकोनॉमी से होता है जिसमें बिजनेस की कामयाबी सत्ता में बैठे लोगों से करीबी रिश्ते पर निर्भर करती है। इस क्रोनी कैपिटलिज्म के कुछ उदाहरण हैं, सरकार द्वारा उस बिजनेसेस को सरकारी अनुदान देना, उस बिजनेस का लोन माफ कर देना या फिर टैक्स में कुछ छूट दे देना। सरकार अपनी पसंद के बिजनेसमैन को ही टेंडर देते हैं, जैसे पिछले कुछ समय में अडानी ग्रुप को बहुत सारे एयरपोर्ट टेंडर में दिए गए हैं। यहाँ पर भी क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लगाए जाते रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर। सरकार व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नीति और कानून बनाती है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। सरकार कभी कभी अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है ताकि कोई नए बिजनेस उस फील्ड में आना जाए और अन्य तरह के व्यापारिक सहयोग भी करते रहते हैं। ये सारे क्रोनी कैपिटल के एग्जाम्पल हैं जो सरकार और बिजनेसमैन के बीच साठगांठ को प्रदर्शित करता है। बदले में बिजनेसमैन भी चुनावों के दौरान पॉलिटिकल पार्टियों को भर भर के चंदा देते हैं, इनडायरेक्टली रूप से उन्हें समर्थन करते हैं। इस तरीके से यहाँ दोनों ही पक्ष को फायदा हो रहा है। बहरहाल चुनावों के दौरान अपने देश में इन शब्दों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर यही आरोप लगाती है और अरविंद केजरीवाल इन दोनों ही पार्टियों पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप यह कहकर लगाती है कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला आदि के जरिए UPA नेताओं के करीबी बिजनेसमैन को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो कौड़ियों के दाम पर अंबानी और अडानी को जमीन तथा दूसरी फैसिलिटीज मुहैया कराते हैं। बहरहाल चूंकि ये विपक्ष और सत्ताधारी दोनों ही पार्टियों पर यह आरोप लग रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि हमारे देश में भी कहीं न कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो में हम कुछ लिमिटेशंस के कारण उन उद्योगपतियों का नाम नहीं ले सकते जो कि भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण हाल ही में भारत में सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। भारत में कई कंपनियां हैं जो पिछले कई सालों से भारी मुनाफा कमा रही है। ये कंपनियां राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के नाम पर भारी रकम दान कर रही है और बदले में ये राजनीतिक दल कंपनियों के मालिकों के लिए कई पॉलिसी और टेंडर निकालते हैं, उन्हें टैक्स में छूट देते हैं, उनका लोन माफ करते हैं, नए लाइसेंस रूल बनाकर उसकी फील्ड में किसी दूसरे बिजनेसमैन को आने नहीं देते हैं। इस तरीके से सत्ताधारी दल और उद्योगपतियों के बीच का साठगांठ चलता है और इसका प्रभाव भारत के आम और साधारण नागरिकों पर पड़ता है, जिसकी वजह से आय असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि आप भारत के अरबपतियों की सूची देखें तो उनमें से कुछ ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कुल संपत्ति में कई गुना वृद्धि की है और
टॉप 10 अमीरों की सूची में जगह बना ली है। ये सब क्रोनी कैपिटलिज्म का ही परिणाम है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2019 से पता चलता है कि भारत की टॉप 10% अमीर कुल 77% राष्ट्रीय संपत्ति के मालिक हैं। दूसरी तरफ भारत के निचले पायदान की 60% आबादी राष्ट्रीय संपत्ति का मात्र 4% रखती है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक की असमानता है हमारे देश में। इस क्रोनी कैपिटलिज्म का ही परिणाम है कि भारत में अमीर व्यक्ति और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब आदमी और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण देश की कुल संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों केंद्रित होती जा रही है और देश की एक बड़ी आबादी आज भी भूखे पेट सोने को मजबूर है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है और इसका इस देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।